हाय स्टूडेंट, ये वीडियो होची जेमेट्री पार्ट 5 जोंठे हमें एमसीक्यू देखिबा। पूरा कंप्लीट जेमेट्री जति की कांसेप्ट थ्योरम डेफिनेशन सेउटा हम डिस्कस कर चाहे गोटे मेंसुरेशन बाकी होची। तो हमें आज क्वेश्चन देखिबा। तो क्वेश्चन रे चारटा लेखा ऑप्शन होची, तन तुम्हें फास्ट ट्राई करिवो तुम्हें केते पर्यंत आंसर सॉल्व कर पारछो आ केते आंसर ठीक करछो कमेंट सेक्शन जणेबो। ठीक अच्छे बिले आउ सेकेंड कथा बीएड साइंस पाई अलग जेकोसी एग्जाम भी तुम्हें कंपिटेटिव ट्राई करो जेमेट्री गोटे पार्ट इंपोर्टेंट पार्ट गोटे। तो फास्ट क्वेश्चन सॉल्व करवा कही इफ वन एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू दि सम ऑफ अदर टू एंगल देन दि ट्रायंगल इज। जदि गोटे एंगल आम जमीका सिक्वेन्स आई क्वेश्चन लेवल सेम सिक्वेन्स अर्थात आम फास्ट लाइन एंड एंगल देखी। ठीक अच्छे क्वेश्चन सात नंबर आरंभ हो क्वेश्चन हाफ जल्दी अच्छी आउ वन टू मैं फास्ट इजी क्वेश्चन किसी मुझे नहीं ना यहीपाई कि सेगुड़ा जमी लाइन डेफिनेशन स्ट्रेट लाइन एंगल से डेफिनेशन क्वेश्चन तुम्हें आराम से कर इजी क्वेश्चन नहीं ना फास्ट किसी तो आम से सिक्वेन्स जी लाइन एंड एंगल जा ट्राएंगल जा देन क्वाड्रिलेटरल आसो जी सर्कल आसो आम से रिलेटेड आम कवर करवा क्वेश्चन। ठीक अच्छे आउ मिक्स कनसेप्ट रही। तो फास्ट क्वेश्चन अच्छे कि इफ वन एंगल ऑफ ए ट्राएंगल इज इक्वल टू दि सम ऑफ दि अदर टू एंगल देन दि ट्राएंगल इज। तो कह बिले गोटे एंगल गोटे ट्राएंगल गोटे एंगेलटा इक्वाल का सहित ना अन्य दुईट एंगेल रो सम सहित इक्वाल। तो ये क्वेश्चन देखिले फास्ट पिला समस्त माइंड में यहाँ पलि सर एमती हो गोटे 90 डिग्री होती आ गोटे 45 आ गोटे 45 45 मिसिक 90 हो। तो ये जन आखि बुझी सांग कह सर राइट एंगल हो आंसर भी ठीक है राइट एंगल हो आम जस्ट टे प्रमाण करदे आम जमी जो डाटा देखिए जो कनसेप्ट देखिए ताको नहीं खेल करदे। ठीक है से भाई गोटे ही ट्राएंगल हो राइट एंगल ही केवल हो पार अर्थात आम कही कौन गोटे एंगल अर्थात वन एंगल आम कौन कही वन एंगल प्लस अदर टू एंगल तीन टा एंगल मिसी कत डिग्री हो 180 डिग्री से कही आम वन एंगल ऑफ ए ट्राएंगल इज इक्वल टू दि सम ऑफ दि अदर टू ट्राएंगल। तो ये अदर टू एंगल जो रही जगह आम के पुट कर पार ना वन एंगल लिखाई अलरेडी तुम्हें एमती भी सल्व कर पार। तो वन एंगल प्लस यहाँ क्वेश्चन कहूँ वन एंगल इक्वल टू 180 पहले फास्ट स्टेटमेंटा एंगल सम प्रॉपर्टी त्रिभुज तीन कोण समष्टि 180 डिग्री अर्थात गोटे एंगल आउ दुटा एंगल मिसिके 180 है से कहे आउ जो दुईटा एंगल अच्छे से समटा भी से गोटे एंगल सहित सामान बोली क्वेश्चन कहे सेकेंडटा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। तो वन एंगल प्लस वन एंगल कौन हो टू इंटू वन एंगल जब 180 है बिले तेल वन एंगेलटा के 180 बै 290। तो कौन है जब गोटे एंगल 90 डिग्री हुए तो त्रिभुज जब गोटे एंगल 90 डिग्री तो सीटा हो राइट एंगल ट्राएंगल ऑप्शन डी हम राइट आंसर। नेक्स्ट एन एक्सटेरियर एंगल ऑफ ए ट्राएंगल इज 105 एंड इट्स टू इंटेरियर अपोजिट एंगल आर इक्वल कही गोटे ट्राएंगल एक्सटेरियर एंगल मान बहिस्त कोण 105 डिग्री जब डायग्रामेटिकली ड्र कर ए बी सी रे सपोज ए सी पॉइंट रे मु एक्सटेरियर एंगल प्रोड्यूस करी जोटा मुझे 105 डिग्री से कही कि आउ तार दुटा इंटेरियर अपोजिट एंगल अर्थात से ही एंगेल ए सी एंगेल रो अपोजिट एंगल किए रहीपिले गोटे ए रहिबो आ गोटे बी रहिबो से इक्वल अर्थात बिले ए एंगेल आउ बी एंगेल माने एक्स आउ एक्स ना माने इक्वल दे दीजिए एक्स एक्स लेखि से कही से इक्वल एंगेलटा के आम प्रॉपर्टी कौन जानी पिले ना गोटे ट्राएंगल एक्सटेरियर एंगेलटा एक्सटेरियर एंगेलटा कौन हुए ना सम ऑफ इट्स टू इंटेरियर अपोजिट एंगल हाँ कि नहीं टू इंटेरियर अपोजिट एंगल। तो एक्सटेरियर एंगल जब पहले आमको 105 देखु दुटा इंटेरियर एंगल इक्वल कही क्वेश्चन से एक्स एक्स धरी तो एक्स युक्त एक्स मैंने सब डिग्री अच्छा तो पहले टू एक्सटा के 105 दैट इम्प्लाइज एक्स के 105 बाय 2 इजी क्वेश्चन अच्छे कि ना तो कहते हैं दुई पंचान 10 दुई दुनिया 4 पॉइंट तो 52.5 डिग्री आसो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 2 क्लियर बिल्कुल कहते आसो 52.5 डिग्री ऑप्शन 2 है राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन द एंगल ऑफ ए ट्राएंगल आर इन द रेशियो 5:3:7 द ट्राएंगल इज।
कही गोटे ट्राइंगल रो एंगल माने जदि 5, 3, 7 रेसियो था तो गोटे को 5x धरबी गोटे को जदि 3x धरबी आ गोटे को जदि 7x धरबी तीन कोण मिसी केते डिग्री 180 डिग्री एंगल सम प्रॉपर्टी 5, 3, 7, 7, 5, 3, 8, 7, 15x इक्वल टू 180 डिग्री दैट इम्प्लाइज एक्स इक्वाल टू 180/15 ये तो समस्त आसुव तो 15 के 15 30 हो जाव 15 × 30 अर्थात एक्स आसला 12 डिग्री यदि एक्स 12 तेल 5x के हे ना सर 5 × 12 कहीं एक्स द्वारा 12 पुट कले 12 × 5 = 60 डिग्री आसो से ही जी 3x कर 3 × 12 12 × 3 = 36 हे 36 डिग्री आसो जदि 7x कर 7 × 12 12 × 84 डिग्री तो ये ऑप्शन को कौटा हम समस्त आंसर हो सारे एक्यूट एंगल कि ऑब्ट्यूस एंगल कि राइट एंगल लाइन बाय लाइन बुझेगी जेमेट्र फास्ट पार्ट्रे बुझे बोलते कि सेकेंड पार्ट्रे ट्राइंगल कथ बुझाई सरी सेकेंड पार्ट्रे त्रिभुजर तीनोटी कोण जदि तीनोटी जाक देख पिले लेस देन 90 अछन्ति कि नाही अर्थात तीनोटी जाक कोण सूक्ष्म कोण बा एक्यूट एंगल ताले से ट्राइंगलटा कोण हबो एक्यूट एंगल ट्राइंगल ऑप्शन ए हबो राइट आंसर ओके मु कहि जेबो सेई वीडियो रे गोटे त्रिभुज रे गोटे सॉरी गोटे त्रिभुज रे केतोटी मैक्सिमम एक्यूट एंगल रहइबो केतोटी ऑब्ट्यूस एंगल रहइबो ए सब कहाई जे नंबर 6 मु फास्ट वीडियो रे लास्ट पर एक्जेक्टली लास्ट पार्ट रे ही देइ तुमको एमसी होमवर्क दे थली क्वेश्चन टा तो क्वेश्चन सेठी कोन थिले कि मु डायग्राम निजे ड्रॉ करथली सेते क्लियर नथिला डायग्राम ए क्वेश्चन एबे सॉल्व करिया मे तो सॉरी प्ले देखो तो कही कि इन द फिगर ए बी पैरेलल टू सी डी पैरेलल टू एफ तो तीनोटी जाक लाइन कौन अच्छा मैंने पैरेलल परस्परवर्ती पैरेलल अच्छा आउ गोटे पैरेलल लाइन भी देखिए पी क्यू आउ आर एस भी पैरेलल देखिए ठीक अच्छे बोले तार अर्थ कौन जदि तुम्हें देख पे आमको पैरेलल कही ए बी सी डी ई एफ तो पैरेलल देखिए सहित पी क्यू आर एस पैरेलल पिले तो मुझे बुझे भी तुम्हें कॉपी रे ड्रॉ भी कर पी क्यू एमती तुम ताको एक्सटेंड कर पार आग को है ना बाइपर तुम एक्सटेंड कर पार सरी इपटे एक्सटेंड कर पी क्यू को सेमती आर एस को एक्सटेंड कर पार तो मुझे किसी देखा पी क्यू आर एस पैरेलल भाया आउ आर क्यू ताप गोटे ट्रांसवर्सल भी हो पार तो सीटा तुम्हें ड्रॉ करके आंसर कर मुझको आंसर बुझेबी सी कौन कही देख से कही कि पी क्यू जदि पैरेलल है आर एस को आउ आर क्यू डी एंगल पे विजिबल हो आर क्यू डी एंगल फिगर भी विजिबल होर देखिपार आर क्यू डी एंगल ए एंगेलटा 25 डिग्री देखिए आउ सी क्यू पी एंगल सी क्यू पी एंगल देखिए 60 डिग्री जदि यहाँ हुए से पचार क्यू आर एस एंगेलटा के क्यू आर एस कि देखा एमती अच्छे ए भाया टिकेटा एम जा तो यही एंगेलटा पचार क्यू आर एस एंगेलटा नेमिंग वाइज फिगर मुझे ड्र करदेली बुझेदेवि केमती हम देख पे आमको देखिए पी क्यू पैरेलल टू आर एस गोटे स्टेटमेंट देखिए कि ना जी पे पी क्यू आर एस पी क्यू पैरेलल टू आर एस और सीटे दुईटा एंगल भी आमको देखिए फास्ट कथा कह पे ये एंगेलटा आमको 25 डिग्री देचे ना यहाँ तो ये 25 डिग्री जदि ये एंगेलटा के पे कह ये भी 25 हो कहीं यहाँ है अल्टरनेट इंटेरियर एंगल सिमिलरली ये एंगेलटा 60 देखिए ये जदि 60 ये एंगेलटा के पे हो सर ये भी 60 हो कहीं ना ये अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल हाँ कि ना 25 डिग्री इक्वाल कली कहीं अल्टरनेट इंटेरियर एंगल ए आई ए 60 डिग्री कहीं इक्वाल कली ना अल्टरनेट एक्सटेरियर एंगल नोट कर गोटी गोटी बुझाई सब तो पे अच्छा कह आमको क्यू आर एस पचार क्यू आर एस मैंने कौन कही अलग यहाँ कही क्यू आर एस अर्थात सर आम यहाँ बार करवा यही एंगेलटा पूरा पूरा यहीटा को यहाँ तो जदि पे मत कह ये पार्टा 60 है यहीटा के सर यहाँ 120 हो पूरा क्यू आर एस रे ये कंप्लीट एंगेलटा क्यू आर एस एंगेल हम कि ना अर्थात 120 युक्त 25 गोटे बुझेगा कि ना 120 युक्त 120 युक्त 25 के 120 आ 25 145 डिग्री राइट आंसर ऑप्शन 3 रिपीट कर दूसरी आउ थे जो मैंने बुझे कथा फिगर ड्र करके आराम से कर
ठीक अच्छे क्वेश्चन किसी भी बाहर आसो ना मैथमेटिक्स जितकी जोमेट्री पढ़े से ही थीअरम आसो से थीअरम को बुझे और माइंड रख यूज करवा शिख पे ये आमको पचीस चलो ये पचीस को पर ना षाठी आगे ना पे ये षाठी तेल यहाँ के पे षाठी सरी आहरी आगे पचक जाऊ शुण पे आमको क्यूआरएस पचार हाँ कि नहीं अर्थात जदि मु एंगेलटा अर्थात वन एंगेलटा पाइबी आउ एंगेलटा अर्थात टू एंगल पाइबी वन आउ टू को मिसाई देते मोर हो हाँ कि नहीं तो सहीटा कैलकुलेट करने डाटा दे आमको कौन जी पे ये षाठी एक दे थो सर ये भी षाठी हो पे टोटालटा के शहे अशी ये षाठी मानिए कतला शहे कोड़े मिलला कि ना पे ये पचीस तो ये के पे सर ये भी पचीस तुमको तो ये टोटाल कम्प्लीट एंगेलटा पचारा ये शहे कोड़ेटा को पचीसटा को मिसाई दब तो कैसे हो शहे पैंचाश तो आसो ऑप्शन थ्री नेक्स्ट द इन फिगर पी ओ क्यू इज ए लाइन पे गोटे लाइन जितोटी भी एंगल क्रिएट हो समस्त मिसले कत डिग्री हुए शहे अशी डिग्री तो यहाँ सहज क्वेश्चन आ कौन हो पाए कि मुझे जेहतु मुझे सब थीअरम पढ़े मतलब इजी क्वेश्चन किसी नाक भी पड़ो तेनाली इजी क्वेश्चन आसूसी भी चालीस प्लस फोर एक्स प्लस थ्री एक्स पे एमती हो जान ये तीन टाइम इजी अच्छे ना गोटे परीक्षा क्वेश्चन आसाला मैंने सब इक्वेशन दे इक्वेशन सॉल्व करके आंसर मिलता है तुमको देदेव रेडियन में कन्वर्ट करो डिग्री में कन्वर्ट करो किसी भी देदेव तुमको तो इक्वल के बोले शहे अशी तो चार तीन सात सेवेन एक्सटा के चालीस जाइए माइनस हो रईट सैड्रे तो सेवेन एक्सटा हो पे शहे चालीस तेल एक्स होते सात कैनसल करते सात दुनिया चौदह सात शून्य शून एक्सटा हो कोड़े डिग्री कौन पचार भैल्यू अफ एक्स तो एक्स हो कोड़े डिग्री इजी क्वेश्चन टा नेक्स्ट बार नंबर एंगल ऑफ ए ट्राइंगल आर इन द रेशियो दुई इज टू फोर इज टू थ्री स्मल एंगेलटा के कौन क्वेश्चन एग्जाम्पल कर टू एक्स फोर एक्स थ्री एक्स मिसी के चार तीन सात दुई नाइन एक्स मिसी के पे मैंने शहे अशी डिग्री तेल एक्सटा के सर कोड़े डिग्री स्मलेस्ट एंगल से मैंने कौन मांगी है टू एक्स टू इंटू कोड़े हाँ कि ना कौन पचार टू इंटु कोड़े कोड़े दुणे चालीस डिग्री हे स्मलेस्ट एंगल ऑप्शन दुई हे राइट ओके क्वेश्चन तो एग्जांपल ही करी तो नेक्स्ट क्वेश्चन देजी पे अच्छा हाँ एटा भी इजी से सांगे रखीजे देखा हो पे क्वेश्चन ना बड़ कर क्वेश्चन देख थ्री एंगल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल मैं गोटे चतुर्भुज तीन टा एंगल गोटे हूँ पचस्तरी गोटे हूँ नाइंटी है आ गए हूँ सेवेन्टी फाइव ओ कही फोर्थ एंगेलटा के पे चार्टा एंगेल मिसी के तीन सौ षाठी तीन टा दे आ गए पचार कर ना पाँच पाँच दस शून्य एक नौ एक दस ये चौदह ठीक है चौबीस तो ये दुश चालीस माइनस कले शून छा दुई तीन दुगला एक शहे कोड़े डिग्री ओके प्रिय फास्ट वीडियो मजा नियो जोमेट्री को बेसिक रू पढ़ आउ तुम जहाँकि तुम करो कन्फिडेंट आसु मु एमसीक्यू सीरीज तो आनबी कंटिन्यू जोमेट्री पे आम पाखापाखि सतुरी क्वेश्चन पाखापाखि सल्व करवा कौन थे ये केवल जोमेट्री मैंने मेन्सुरेसन यही एमसीक्यू सेसन सतुरी या पुणी आहरी मोर देन हंड्रेड क्वेश्चन आसो खाली यही जोमेट्री उपर तो कथ पे जब वीडियो ठीक ठाक लाइक लगुच मैंने भल लगुच तुमको लाइक टे दे दियो बस आउ तो किसी आम चाहूनु छोट लाइक टे गोटे वीडियो देखी तो दौ लाइक तो करू ना ये लाइक टे कर दियो अच्छा पे नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे गोटे स्क्रीनशॉट लगे आगे क्वेश्चन रीडिंग करी तापर क्वेश्चन पाक जावा क्वेश्चन साइज आम टे बड़ करदे एत बड़ भिजिबल हेनी एवं पढ़ाक ट्राए कर क्वेश्चन जो आम ये लिखी ए डायगोनल ऑफ रेक्टांगल इज इनक्लाइंड टू वन साइड ऑफ द रेक्टांगल एट 25 डिग्री द एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल्स इज गोटे रेक्टांगल रे कोई द डायगोनलटा 25 डिग्री इनक्लाइंड है गोटे साइड प्रति अच्छी गोटे बाहू प्रति ताले जो दुटा डायगोनल जॉइन हेबे ताकु इतरे एक्यूट एंगलटा कहो जस्ट तीन दिन आगुरु जे मो वीडियो रेगुलरली देखुतो पिले पिले सब बेले मु कहूँ वीडियो को भल कि देख बुझे ट्राए कर कनसेप्ट जान कनसेप्ट पहले एमसीक्यू करार माने नुहे मोहरी भिड तुम क्वेश्चन पाइब आसपारे से मना करना ये गोटे क्वेश्चन आसा देख मुझे एमसीक्यू आनी ये क्वेश्चन आसारी गोटे रिलेसन फंक्शन भी सेमती होता पे मुझे कहला मुझे जो कनसेप्ट तुम्हें आणुची
मो जाना भितर ये गोटे अलग लेवल क्वेश्चन है सब अर्थात पूरा जीरो टू आरंभ कर हिरो पर्यंत पूरा बेसिक रू आरंभ कर तुम्हारे एनसीईआरटी कवर हो आर डी शर्मा कवर हो आई दुटा बही ठार तुम जी मैं एंट्रान्स आड एग्जाम हो आमर जी आमर अच्छी भी ओएस एस टी टी हो हाईस्कल एग्जाम हो याठू हायर भर्सन क्वेश्चन आसबनी तुम यदि ये सल्व कर पार्छ हायर भर्सन क्वेश्चन आसिले भी तुम तक सल्व कर मोर ग्यारंटी तो से कनसेप्ट बुझा पड़ो आ गोटे कथा पीले मुझे प्लानिंग किसी रखी मुझे टेलीग्राम भी जनईबी से कहीदे डिक्लेयर छोट कथा टी मुझे भावुची गोटे आम लाइव डिस्कसन करवा जे तुमको बीएड एग्जाम को लेकिन काली राति समय ठीक हे कि संडे दिन सका ठीक हे आठटा कि नौटा भितर से टाइमिंगटा मुझे आज ग्रुप देवी टेलीग्राम तुमको रेस्पन्स देखी आस आ गोटे कथा भी मोर लोकेशन नेटवर्क सिस्टम इंटरनेट फैसिलिटी को लेकिन लाइव वीडियो स्मूथली चलुची कि ना से इम्पोर्टेंट थे मुझे ट्राए करी तुम मैंने कोऑपरेट कर से पे ठीक ठाक ना तो मुझे ऑफलाइन तो कंटिन्यू चलो मझे मझे आम लाइव क्लास आनेटा मतलब लगुच ठीक तुम सहित इंटरेक्शन हो पार ठीक से तो से ही आशे मुझे गोटे भिड बन भावुँची जो थे कौन डिस्कस करवा मोर स्ट्राटेजी बनवा कौन चैप्टर टीचिंग आप्टिट्यूड में बहुत पिला मेसेज करूँ मुझे करूना ही मानने आरंभ करी ठीक अच्छे मुझे तुमको तुम सहित कथा करी जो मुझे पचारि तुम्हें प्रिवियस क्वेश्चन सल्यूसन कनसेप्ट सहित चाहूँ कि ना बी एड सिलेबस तो से डिस्कसन आम से आम क्वेश्चन अभी देखा ओके तेनाली तुम्हें लाइव क्लास चाहूँ कि तार रेस्पन्स कमेंट सेक्शन दे पार ओके देख पे एवं ये क्वेश्चन देखा आम जो आम सल्व करचे तीन दिन आगर है देख पे तीन दिन आगर ये क्वेश्चन आम सल्व कर चलो ये तो मुझे तुम्हें बड़ बेसी कर फिक्स हो सारी हाँ देख क्वेश्चन थी कि देख ए डायगोनल ऑफ ए रेक्टांगल इज इनक्लाइन टू वन साइड ऑफ द रेक्टांगल एट 35 डिग्री द एक्यूट एंगल बिटवीन द कटिज बिटवीन द डायगोनल्स ओके पहले ए क्वेश्चन थ्री डेज बिफोर अपलोड होती 249 व्यू आसी पहले मुझे व्यू को काउंट करना तुम्हें केते देखुचो सेटा ना पहले जो 250 जन जब प्ले कर 250 मुझे भिडियो बनैबी से मो बड़ कथ ना कैसे जन देखु जितेज देखु भल प्रिपेयर कर आगे जाओ यहाँ मोर उद्देश्य किसी ना तो अपने कितने लाइक 26 जन यहाँ मतलब भल लगे जो भी भल ना लाइक अधिक कर तो ये क्वेश्चन कह अर्थ पे कौन ये क्वेश्चन आम सल्व करे प्रिवियस क्वेश्चन तर हाशटैग लगे देख इटा थी आई थिंक 10 अक्टोबर थर्ड शिफ्ट रो लास्ट आड़ू तीन नंबर क्वेश्चन माने थर्ड लास्ट क्वेश्चन मतलब लगुच 10 अक्टोबर थर्ड शिफ्ट बोधे क्वेश्चन थी अर्थात कह कथा पे क्वेश्चन अलरेडी आस सारी और से एम सी क्यू मुझे आनी तुमको तुम पढ़ार इंटरेस्ट को बढ़े बढ़ेदेव से मुझे स्क्रीनशॉट लगे आउ ये किसी उद्देश्य ना कि मैंने तुमको लगे कि ना आम जो एम सी क्यू करें बेनिफिट कि पे मुझे सब एम सी क्यू एठू डायरेक्ट आस माने ना एम सी क्यू प्राक्टा तुम प्रिपेरेसन को बुस्ट कर कन्फिडेन्ट दब आ कि नुहे सेकेंड कथा क्वेश्चन लांगुएज को बुझा क्वेश्चन को पढ़ की सांगे सांगे आम जो एप्रोच ना यहाँ एम सी क्यू द्वारा हुए एम सी क्यू किसी अलग उद्देश्य नहीं पे डायरेक्ट मो भिडर पर देखे तुम बीएड पाइव यहाँ नुहे पे एम सी क्यूर उद्देश्य से नुहे ठीक अच्छे आ सेकेंड कथा पे तेना तो से बढ़े के तुम जो ठीक वे में नौ मुझे लाइव भिडे कहि क्वेश्चन पढ़ की पोज मारिक निजे एनसर कर फास्ट एनसर को वेट करनी सार कौन कहे कौन ना तुम्हें कौन शिखीच कौन से भिड देखिए जाइल कौन बुझीद आ मु कौन कहूँ बास ये डिफरेन्स एम सी क्यू कर स्ट्राटेजी हो जाएगा ओके तुम पे ये भिडियो मुझे बुझेबी कि तुम्हें से ठीक कर ना सर बुझे दिखुद आउ जीव से भिडियो पुणी देखिए थोड़े देखी मन ना आउ करद रेक्टांगलटे अच्छे ओके से रेक्टांगल कही डायगोनलटा इनक्लाइन होती सपोज ए डायगोनल कथा कहे आम ए बी सी डी ए डायगोनल इनक्लाइन होती कैसे डिग्री बोले 25 डिग्री तार गोटे साइड प्रति से साइडटा के ए बी साइड प्रति अर्थात एसी डायगोनलटा ए बी बाहू प्रति 25 डिग्री इनक्लाइन होती एक्यूट एंगल बिटवीन द डायगोनल जो दुटा डायगोनल हम ताकि एक्यूट एंगलटा के बोले कही दुटा अप्रोच करी है मुझे गोटे आप्रोच करूँ बाकी तुम आगे चेक कर पार पे आम यह प्रमाण करके देखे जी ए एंगेलटा पच जो ओ पॉइंट इंटरसेक्ट करी ए एंगेलटा 25 डिग्री है ए एंगेलटा के कही
पचीस डिग्री ये आप्रोच आम नहीं कि ना मन पड़ समस्त प्ले हम ये जब पचीस डिग्री हो ये भी पचीस डिग्री हो। अच्छा नेक्स्ट आप्रोच आम कौन नहीं आउ सर कौन तापर तो इजी अच्छी ये यदि पचीस पचीस पचास है ये एंगेलटा के सर ये शहे तीस कहुत ये थी कैसे थी सर शहे तीस बोले शहे तीसटा दुटा डायगनाल भितर एंगेल नुहे कि यस सर कि एक्यूट एंगेल कि नो सर एटा स्थूल अंकन ऑप्टिव्स एंगेल तो आमको एक्यूट एंगेल पचार यहाँ पचारको तो जी पे यही लाइन उपर लक्ष्य करा ये जो शहे तीस डिग्री ये कैसे हो पे सर पचास डिग्री हो रईट आंसर अप्सन दुई है पचास डिग्री बोले बुझी है कि ना बुझेगा कि ना डायगोनल रे दीटा एंगेल को आम इक्वाल करते न बुझे पे से भिडियो देखिए सीट तो बहुत भल बुझे है एमती अच्छे ना मुझे देख फास्ट एति कहीदे ये पचीस कहली ये पचीस कहली ये त्रिभुज तीन कोण मिसी कहते बोले शहे अशी तेल ये नहीं सर शहे तीस डिग्री थी कहे बोले यहाँ तो बढ़ा ही एमती का बोले लक्ष्य कर देखिए कह ये एंगेलटा शहे अशी नुहे कि ये जदि यहाँ शहे तीस तेल ये पचास डिग्री तो ये भितर यही दुईटी भितर एक्यूट एंगेल किए सर पचास डिग्री रईट आंसर हे ओके। तो बोले नेक्स्ट क्वेश्चन इफ ए बी सी डी इज ए रम्बस सोच दैट ए सी बी इक्वाल टू चालीस डिग्री देन ए डी बी इक्वाल टू फिगर ड्र करवा रम्बस प्रॉपर्टी मुझे कही सारी पे तो रम्बस कौन ना चार्टा भाव सामान हुए है तुम फिल कर चार्टा भाव सामान भाया देखा देखा ना भी फिल कर मैं निजे ड्र कर एनसर सर समस्त इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बहुत बढ़िया क्वेश्चन ए बी सी डी ए पे किए कर सारा बिना आंसर किए सल्यूशन देखिए कर पार कमेंट कर सर ये सर मुझे करी कमेंट देदेव ए बी सी डी पे रम्बस कौन जान कि ना रम्बस सर चार्टा साक बाहू कौन होता है पे सामान होता है प्रपर्ट कहुई ए बी इक्वाल टू बी सी इक्वाल टू सी डी इक्वाल टू ए डी आउ कौन होता है रम्बसटा गोटे पारालोग्राम कि ये सर ताले कौन होता है ये प्रॉपर्टी खाली मन पकई दूसरे सर ए बीटा पारलाल सी डी हो डीटा पारलाल बी सी कहीं गोटे पारालोग्राम आउ कौन होता है से डायगोनल सर बाइसेक्ट करती ए सी बाइसेक्ट करे बी डी को यार अर्थ कौन पीले जदि ओ पॉइंट कट कले सर एओ जहा हे सीओ ता हे बीओ जहा हे डीओ ता हे आ पे डायगोनल दिला सामान कि रम्बस न सर सामान नुहे आउ कौन हुए डायगोनल माने राइट एंगल ले कट करती हाँ कि ना तो ए ओ बी बी ओ सी सी ओ डी ए ओ डी समस्ते परपेंडिकुलरली अर्थात 90 डिग्री एतिकी प्रॉपर्टी लगी था कौटी रम्बस रे ठीक अच्छे तो आम जहाँ जो दरकार है यूज करवा एम फिगर ड्र करवा आगे आम क्वेश्चन जहाँ कह फिगर ड्र करवा ए बी सी डी रम्बस जदि ए सी बी 40 डिग्री ए सी बी एटा के बोले 40 ठीक अच्छे के बोले 40 डिग्री कही ए डी बी कैलकुलेट करें कौन ए डी बी तो ए डी बी टाइम ब्लू कर दूची ओ बेसी ब्लू करिया गले ए डी आउ बी ए डी बी एंगल आम कैलकुलेट करें कही एंगेल एंगेल जो ब्लूटा है ए डी बी कही कैलकुलेट करने आमको। अच्छा पे आप्रोच तुम्हें बहुत वे नहीं पार चलो कौनटा स्टार्ट करवा कौन आम पेन रेड नहीं जावा तो प्रथम कथा पिले जदि ए सी बीटा 40 डिग्री हैला जदि ए सी बीटा 40 डिग्री हैला आम कौन करवा। अच्छा पिले ए बी सी ट्राइंगल एमती अच्छी कि लक्ष्य कल से फिगर को खाली टी एम नहीं आसली तुमको बुझापी ए बी सी एमती अच्छे ना जदि पे एटा 40 डिग्री मुझ फास्ट प्रॉपर्टी यूज कली कौन पे कहल तार पे रम्बस चार्टा बाहू सामान कही ना तो बी सी बाहूटा जहाँ थी ए बी बाहूटा ताइ थी ना फास्ट प्रॉपर्टी यूज कले पे दुटा बाहू तो एवं कोई गोटे समदी बाहू त्रिभुज हो गला कि ना समदी बाहू त्रिभुज गोटे प्रॉपर्टी थी सामान बाहूर सामन जो एंगेल थी से इक्वाल हूँ तो पे ये सामान बाहूर सामन कौ एंगेल अच्छी सर यही एंगेलटा अच्छी मैंने जो आप लिखुं एक्स ले मन को लिखी थी से भाई ए बी सामना बाहू कौ एंगेल अच्छी 40 डिग्री तेल दुटा एंगेल कौन होते पे इक्वाल होते हैं एक्सटा के सर ये भी तो 40 हाँ कि ना पे बुझ कि ना अर्थात ए एंगेलटा भी जेटा सी ए बी के 40 डिग्री होती कहार असुविधा अच्छे कि ना सर किसी असुविधा ना आमको पचार कौन ए डी बी क्लीयर ये भेरी गुड। अच्छा
बेसी कष्ट करिया रे, अल्प प्रॉपर्टी यूज करिया, प्रॉपर्टी तो हजार अच्छी यूज करिया पाई। अच्छा पहले एबे ए डायग्राम देखते टिके, ए डी आउ बी, ए बी आउ डी, ओके बोले वेट ए बी डी जी आगुरी आम आ गोटे प्रॉपर्टी लगेबाटा ठीक हबो, ठीक अछि सेटा वेट वेट। तो जदि रे 40 आसिला सी एंगल 40, वेट पिले वेट आम ए प्रॉपर्टी लगे आगुरी आम कौन करिबा आमको ए डी बी क्वेश्चन ने पचार हाँ कि ना आम कौन पचार ए डी बी पचार हाउ है मु बस अलग वे कि देखुची जोटा भल हम करने जो इजी हम कौन वे रे गले आमको ठीक हम चालीस चालीस जदि है अच्छा पिले एबे हला वेरी गुड बढ़िया कथा पिले सी डी ब्लू कर दबा टिके ब्लू कर दबा ब्लैक कर दबा सी डी टा पैरेलल का सहित ए बी काहीं पिले सर माने पैरेललोग्राम रोम्बस गोटे मध्य पैरेललोग्राम आउ जदि ये पैरेलल हेले आउ ए सी तांको पई कोन हेतिबो सर ट्रांसवर्स हेतिबो छेदक हेतिबो हां कि नाही तेल जदि ए एंगलटा 40 डिग्री है पिले जदि ए एंगलटा 40 डिग्री है जो ब्लाक कली तेल ए एंगलटा भी कैसे हो 40 पिले अलग वे भी थी मुझे चिंता कली सहज करापी एटा के पिले सर ये भी तो 40 होटा कली या बहुत बड़ कारण अच्छे तो पिले कम्प्लीट ए एंगलटा आम के मिलगला पिले भल कि देख ना सर 80 डिग्री मिली के आमको पिले 80 डिग्री मिलगला बुझीला कि ना कह भी कहीं चिंता करी ए मिलला 80 डिग्री आगे आंसर देखी दियो तापरे तुम जहाँ मन रख तो मन रखी तो एबे पलि आसो जो ट्रायंगल मु ड्र करी डी ए बी पिले एटा हला केते डिग्री सर 80 डिग्री एबे कह ए डी बी ट्रायंगल टा कहार पार्ट रोम्बस रो पार्ट एठी बी ए बी बाहु जहा ए डी बाहु ता नुहे कि ये सर एम रोम्बस मान चारि बाहु समान सामना बाहुर सामना कौन कौन हम सामान हम तो ए डी रो सामना बुझेल कि नहीं बुझे कि ना ए डी रो सामना किए पिले यहाँ केते हम एक्स मन कर आउ ए बी रो सामना किए सर एक्स यहाँ आमको तो सी एक्सटा पचार डीटा पचार एक्स प्लस अशी इक्वाल टू के सर 180 डिग्री तेल 2x प्लस 80 इक्वाल टू 180 डिग्री तेल 2x के सर 2x आसो 100 डिग्री 80 जाए माइनस होने एक्सटा के पिले सर एक्सटा 50 डिग्री आस तो ये है 50 ये भी है 50 अर्थात ये जो एंगलटा आम क्वेश्चन पचारे के डिग्री आसला सर 50 डिग्री आसला ऑप्शन 3 हम राइट आंसर क्लियर ठीक अच्छे पिले किसी असुविधा अच्छे कि अच्छा जदि तुम यही ट्राइंगल सम प्रॉपर्टी यूज करना सर आउ किसी बाट अच्छी बाट अनेक अच्छे पिले मुझे कहीं तुमको नहींक आसली ये तुम टे चिंता कर पे ये गोटे प्रॉपर्टी आम मन रखा गोटे प्रॉपर्टी आम मन रखा फिगर समस्त ड्र कर सारी कौन प्रॉपर्टी फिगरटा ये हाथ में कर तुम तो सब ड्र कर लिभेबी ये करुच्छे कौन प्रॉपर्टी पिले गोटे रोम्बस ए बी सी डी पिले यदि यहाँ गोटे कम्प्लीट एंगल है जो डायगोनल ए सी जॉइन करुच तुम कौन देख रहा सर ए एंगलटा 40 डिग्री एंगलटा 40 डिग्री ना अर्थात डायगोनलटा बा कर्णटा गोटे रोम्बस कोण को कौन करे समद्विखंड करे एटा नोट करो तो क्वेश्चन देख लो ये 40 ऑटोमेटिक एटा 40 आउ किछि चिंता करिया दरकार नै हला अच्छा सेकंड कथा आउ को अप्रोच रे आमे करि पारि थांते तो मन रे एटा आस्तिला हो कि नै बुझे देबा पिले पूरा ए एंगलटा तुम्हें केते पाइलो सर ए एंगलटा आम पाइचु के सर ए एंगल तो आम 80 पाइलु केते पाइले आम 80 सर पाइचु अच्छा पिले कह सी डी
सी डी पारलाल कहाँ सहित सर सी डी पारलाल ए बी सहित आ ट्रांसफर्स किए ट्रांसफर को रेड कर दूसरे सर ट्रांसफर्स आम ए डी नहीं पारा कि ना ये सर नहीं पार बोले बुझल कि ना सी डी एटा डी आउ सी ये पारलाल कहाँ सहित ए बी सहित मुझे ट्रांसफर नी क्या ए डी को पिले ट्रांसफर्स सेम साइड रे इंटीरियर एंगल मान समि के डिग्री सर 180 डिग्री ए एंगलटा के 80 डिग्री तेल यहाँ के पिले सर 100 डिग्री हो अर्थात डी एंगलटा के 100 क्लीयर कि ना पिले सब प्रॉपर्टी यूज करू जे तुम्हें बुझ ओके तुम्हें बुझ तुम्हें मन रख तुम्हें थीअरम को यूज कर शिख ट्रांसफर्स सर सेम साइड रे दुटा एंगल मिसले 180 डिग्री तो ये 80 माने ये 100 सर आप तो एबे कहले डायगोनल जब जॉइन करेंगे ये तो समदिखंड कर 100टा अधा अधा के 50 हम 50 हम आमको तो यहाँ 50 था मिल गला आमको बोले बहुत आहरी अलग वे भी अच्छी तुम्हें जेकोसी लग जो लग एनसर 50 पाखे पहुँच अच्छा पे टे कम्प्लिकेटेड ना मुझे बुझे मेम मत कम्प्लिकेटेड लग पाए तो किंतु करवा आम 16 नंबर मुँह करी क्वेश्चन पढ़े दूसरे आगे कही क्वेश्चन बड़ करवा कि बोले आगे क्वेश्चन बड़ कले से पारे जी सी हाउ देखा समस्त को 16 नंबर क्वेश्चन कही दि क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग दि मिड पॉइंट ऑफ दि साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस गोटे क्वाड्रिलेटरल फिगर पिले देना फिगर बुझाई रखी है कि डाउनलोड कर रखी फिगर यही बुझाई गोटे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म हो मैंने तैयारी हो जॉइनिंग दि मिड पॉइंट ऑफ दि साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस पे मोर जब स्टेटमेंट एति जाए था मोर कमेंट सेक्शन आंसर जनब द क्वाड्रिलेटरल फॉर्म बाय जॉइनिंग दि मिड पॉइंट्स ऑफ दि क्वाड्रिलेटरल इज ए डैश जेकोसी क्वाड्रिलेटरल रो मिड पॉइंट को जॉइन कला जो क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन हुए सीटा कौन होता है आंसर जनब डायरेक्ट पढ़े अच्छा सी कौन कही ना क्वाड्रिलेटरल को जो जॉइन करुच आर मिड पॉइंट जब ऑर्डरली नहीं चाहे रेक्टांगल होदि इफ चार्ट ऑप्शन पी क्यू आर एस रेक्टांगल हो पैरेललोग्राम हो डायगोनल सर परपेंडिकुलर हो कि डायगोनल सर इक्वल थी सर किसी बुझेलानी क्वेश्चन टाक किसी बुझेनि क्वेश्चन बुझेदेव आउ थे पहले कही गोटे क्वाड्रिलेटरल फॉर्म है केमी फॉर्म हम ना आउ गोटे क्वाड्रिलेटरल पी क्यू आर एस अच्छी सपोज यहाँ मन इच्छा कहें पी क्यू आर एस से मिड पॉइंट ए बी सी डी एम को जॉइन कल नुआ क्वाड्रिलेटरल फॉर्मेशन है किए से ए बी सी डी है तो सही गोटे रेक्टांगल बोली क्वेश्चन कहूँ जदि ताप कंडीशन कौन क्वेश्चन बुझेगा जे बुझी ना आराम से बुझ मन दे बुझ कहीं तुम एच डब्ल्यू क्वेश्चन ठीक यही भाई गोटे अच्छी तो फिले मो मतरे यहाँ कहे छोट कर द्वारा ठीक हम कि आवश्यक ना मोर ये पढ़वार ना है पूरा छोट हो जाऊ लास्ट पुणी ताको आंसर मैच करने आने है पूरा छोट था तो आमर कौन कहे एवं यहाँ दरकार है देख पे मुझे ये बुझाक ट्राए करी तुम्हें नोट करी करी चलो ओके सी कौन कही ना ए बी सी डी जो अच्छा है ए बी सी डी हूँ मिड पॉइंट कह रही एटा हूँ पी क्यू रो नोट करो क्यू आर रोज बी आर एस रोज सी आउ एस पी रोज डी मिड पॉइंट मिड पॉइंट को जॉइन कर ए बी सी डी फॉर्मेशन करागला है अच्छा पे लक्ष्य करवा आम कौ ट्राइंगल कह ए ट्रायंगल हैला आमको क्वेश्चन कौन कही जान कि ना ए बी सी डी रेक्टांगल कही कंडीशन टा बाहर करो या कही ट्रायंगल ले बी सी टा मिड पॉइंट ना मिड दी अच्छा मिड पॉइंट थ्योरम कौन कि ना गोटे त्रिभुजर जेकोसी दुईटा पिले थ्योरम जाणी था समस्ते यूज करवाटा हूँ ट्रिक आ कि ना जेकोसी गोटे त्रिभुजर दुईट मिड पॉइंट कथा कह पूरा जेकोसी दुटा मिड पॉइंट को जॉइन कला परे सीए जो बाहूटी रहीगला अर्थात थर्ड साइड किए पी क्यू प्रति पारलाल हुए द लाइन जॉइनिंग दि मिड पॉइंट्स बिटवीन दि टू साइड ऑफ ए ट्रायंगल इज पारलाल टू दि थर्ड साइड एंड हाफ ऑफ इट अर्थात नेमिंग कौन था देख नेमिंग सब लिभे गारे मत लगुच जापार क्या कथा मुझे कहूँ एटा बी सी हाँ सी कहते बी सीटा कौन हो पे पारलाल हो सहित
क्यूएस सहित एवं आउ कौन कौन मिड पॉइंट थ्योरम एमपीटी आउ कौन कौन ना बी सीटा हो इक्वल टू हाफ ऑफ क्यूएस किसी असुविधा अच्छे कि ना बोले इरेज करवा आम बुझा आहरी बेटर वे है मुझे कह तुम नोट कर मोर रोल ना यहाँ टी टाइम टेकिंग पारे कि बुझीगले पे ए क्वेश्चन बुझ आंसर मन रखी एग्जाम को किसी ये धंदा करा दरकार खाली बुझेपी कहूँ तो आम कौन कनक्लूजन पे ड्र कले ना कनक्लूजन यह सर आसला कि बी सीटा पार्लाल क्या सर क्यूएस को पे जी बी सीटा पार्लाल क्यूएस को तेल कोस बी सी पार्ट किए सी टी तो सी टीटा पार्लाल हम ना यूओ को यस सर हम क्लीयर या कम शेष से भाई पलि आस ए ट्राइंगल पाख कौन ट्राइंगल आउ तो ये अच्छी या पाक पल आसिले ओके ये से भाई देख पे सी डी मिड पॉइंट ना जदि सी डी मिड पॉइंट तो ये कौन हो ना सर सी डी भी पार्लाल क्या ना पी आर को यस इरेज कर दिए थर पे जी सी डी पार्लाल है यूआर को तेल सी डी पार्ट किए यूसी यस सर तेल यूसी पार्लाल क्या सर ओ टी को ही ओ टी को अर्थात पे कौन देखु ना ओ टी पार्लाल क्या यूसी को एवं सी टी पार्लाल क्या सर यूओ को यही स्टेटमेंट लक्ष्य कर यही स्टेटमेंट अर्थात यही बाहूटी विपरीत बाहु समांतर हेले पार्लाल हेले ता कौन कह जाए पारालेलोग्राम कह जाए तो ये पारालेलोग्राम प्रूफ हो गला हाँ कि नहीं पिले कौन हो गला पिले सेटा पारालेलोग्राम प्रूफ हो गला अच्छा किंतु आमको ऑप्शन ने पारालेलोग्राम दे कि देखा किंतु पिले रेक्टांगल दे ना आम रेक्टांगल देखो सी कही रेक्टांगल जो दे फॉर्मेशन कर कौन हम सी कही आम एटा को प्रमाण कले यू प्रमाण कले यहाँ कौन हो गला गोटे मैंने ओ टी सी यू गोटे पारालेलोग्राम हो गला है बुझला कि नहीं अच्छा नेक्स्ट कथा पे ए बी सी डी क्वेश्चन गिभेन थी कौन मुझ बारंबार चिले कि चिले गल कौन थी पे सर रेक्टांगल थिला पे रेक्टांगल सब कोण गुड़िक 90 डिग्री कि ना ये सर ताले ए कोण केते ही थिबो सर 90 डी कोण 90 बी कोण 90 सर सी कोण 90 ओके मते बी दरकार ना सी दरकार ना डी दरकार ना पे सी कोण 90 डिग्री आसला ये सर आसीबो ही आसीबो एटा रेक्टांगलटा पे जो पारालेलोग्राम मुझे ड्र कर कौनटा यूओ सी टी एटा पारालेलोग्राम पारालेलोग्राम सामुद्रिक चित्र विपरीत कोण कोण सर समान हुए जदि सी कोण 90 डिग्री तले ओ कोण कोण हेतिबो ओ सर ये भी तो 90 डिग्री हेतिबो हाँ कि नहीं अच्छा पे जदि ओ कोण 90 डिग्री ओ कोण रो सामना रेटा कोण प्रतिप कोण बा वर्टिकल ओपोजिट सर ये भी 90 हेतिबो अच्छा पिले क्लियर अच्छा एबे नोट कर देली इरेज करी तुम आहरी वे बेटर वे बुझेबा तो कौन आसला सर आम कनक्लूजन ड्र कले ये हूँ 90 डिग्री ये भी हूँ 90 डिग्री पे यही लाइन उपरे यदि ये 90 डिग्री ये भी कते हो सर 90 डिग्री ये भी कते हो 90 डिग्री अर्थात डायगोनल दिरा जो अच्छा केमी जॉइन होती परपेंडिकुलरली जॉइन होती एवं आस क्वेश्चन पाखक है कौन आसवा क्वेश्चन पाक देख पी क्यू आर एस इज ए रेक्टांगल कही कौन दुटा जिन एक्टाइम तो देखा मुस्किल मत हो छोट करदे ये गोटे मैडम बड़ कर पे आम तुमको सीधा कथा आंसर कहीदे पी क्यू आर एस रेक्टांगल आम पाइले कि पी क्यू आर एस आम रेक्टांगल बोली किसी कनक्लूजन आसी ना पी क्यू आर एसटा पारालेलोग्राम मैंने बाहर ट्राइंगल कथ ना कि देख डायगोनल सो पी क्यू आर एस परपेंडिकुलर ये आम कनक्लूजन ड्र करदे सांगे सांगे हाँ कि ना पी क्यू आर एसटा जो अच्छी तार डायगोनलटा देख पी क्यू आर एस कौन देख पार तो सी कहला फास्ट स्टेटमेंट पी क्यू आर एसटा रेक्टांगल आम तो नहीं पी क्यू आर एस रेक्टांगल बोली कमी प्रमाण कले कले कि आम करना सी कहे पी क्यू आर एसटा पारालेलोग्राम से भी जानू सी क्वाड्रिलेटरल दे मैंने चतुर्भुज आम कही पारे ना आय चित्र कि सामंत चित्र कही कि पी क्यू आर एस डायगोनल दिन 90 डिग्री कट कर थर्ड स्टेटमेंट ये आसला कि ना यस राइट आंसर पे कौन हम ऑप्शन 3 टिक कर ऑप्शन 3 क्लिक कर आगे पे बुझेगा जब यहाँ बुझीगल 70 नंबर एच डब्ल्यू आज भिड देखी पे टेलीग्राम यार डिटेल सल्यूसन सेंड कर नेक्स्ट दिन खाली आंसर कहीदेवि ये जो 16 नंबर क्वेश्चन आ 17 नंबर क्वेश्चन ऑप्शन पूरा ठीक मन रखी जदि रेक्टांगल थाए ये आसो यहाँ मुझे कहबी ना ये हमार देली वेट करेंगे आंसर टेलीग्राम देदेवि ओके नेक्स्ट आस 8 नंबर बोधे लास्ट क्वेश्चन ना आहरी अच्छे दुटा अच्छी 8 नंबर क्वेश्चन देखा इफ
बोस्ट क्वेश्चन सबुठ ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर टेकन इन ऑर्डर एंगल ए बी सी डी ऑफ द क्वाड्रिलेटरल आर टेकन इन ऑर्डर इन द रेशियो 3:7:6:4 ताहले कहिछि कि ए बी सी टा उडे कोन हबो पिले चारटा एंगल दिछि ना 3, 7, 6, 4 तो 3x 7x 6x 4x मिसाइ दियो 7, 3, 10, 6, 16 20 एक्सटा केते हिजो पिले 4 समष्टि 360 डिग्री तो एक्सटा केते हिजो शून शून कले सर 18 डिग्री हिजो हाँ कि नहीं तो जो क्वाड्रिलेटरल कथा कहूँ है मन इच्छा ड्र करदेली गोटे सपोज ए बी सी डी तो पिले कौन है ना तो फास्टा के 3x देता तो 18, 3, 54 हम ए कौनटा के सिक्वेन्सियल नब ये 54 डिग्री बी कौनटा देते 7, 18, 126 डिग्री सो 1800, 108 सी कौनटा आ डी कौनटा 1872 डिग्री आसल कि नहीं पे तो सी कह जो क्वाड्रिल तुम फॉर्मेशन कल यहाँ कौन हो गए रम्बस हम ना पैरेललोग्राम हम ना ट्रापेज हम ना काइट हम महा मुश्किल क्वेश्चन केम जान एंगल देखी जानी हबो देख गोटे ट्रिक दे तुमको पिले बी सी बाहू चलो आ डी बाहू या हाँ कि ना ए बी सी आउ डी पिले भल कि लक्ष्य करो ए कोण युक्त बी कोण इक्वल टू 126 + 54 अर्थात केते पिले 180 डिग्री एबे रिसेंट गोटे प्रॉपर्टी मुझे कही जदि दुटा पा गोटे ट्रांसवर्स गोटे साइड एंगल मिसिक 180 हेले ताले सी कौन हो पिले ये दुटा कौन हो सर पार्लाल होते ताले कौन हो सर आसला जे बी सी टा पार्लाल क्या सर ए डी को अच्छा से ही देख 72 + 54 मिसिक 180 हो नाई सर 108 + 124 मिसिक 180 हो नाई सर अर्थात सी डी ए बी प्रति पार्लाल की नो सर अरे सी डी नॉट पार्लाल टू ए बी अर्थात गोटे चतुर्भुज गोटे जोड़ा बाहू जदि समांतर है कह जाए ट्रापिजियम जदि एटा भी होता तो पार्लोग्राम होता से ट्रापिज हम कहीं गोटे जोड़ा बाहू हो कौन आमर पार्लाल प्रमाण हो गला यही जोड़ा को मिसले के 180 108 + 72 भी शोन 180 तो 180 मैंने मैंने कौन इफ वन ऑफ द एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज 130 डिग्री द एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल कैन बी कही गोटे पिले ट्रायंगल रो गोटे एंगल जदि हला 130 डिग्री एंगल बिटवीन द बाइसेक्टर ऑफ द अदर टू एंगल ये जो दुटा एंगेल बाकी रही मन कर ए गला बी आउ सी जो एंगेल रही से बाइसेक्टर अच्छा बाइसेक्टर है से जो एंगेलटा आने यहाँ बी ओ सी पचार पे फर्मुला मन अच्छे ना इंटरनल बाइसेक्टर यहाँ कहा बी ओ सी पे कौन ना ए एंगेल सॉरी फर्मुला हूँ नोट कर 90 डिग्री प्लस ए एंगेल बाय टू प्रमाण आम दरकार ना है तो 90 प्लस ए एंगेल दीजिए कैसे 130 / 2 दैट इज 90 + 65 = 155 ऑप्शन 4 राइट आंसर तो पहले आज सेसन मत ठीक ठाक लगे दी चार क्वेश्चन मॉडरेट लेवल थिला केमी सेसन लगला कमेंट करो पहले लाइक जरूर निश्चित करो आउ तुम लाइव भिडियो विषय में कौन चिंता करो आम डिस्कसन करवा कि ना स्ट्राटेजी विषय में कमेंट भी करो ताकू नहीं कि टेलीग्राम में तुमको गोटे आज नोट मुझे सेयार करी ओके बाकी नेक्स्ट एमसीक्यू वीडियो को तुम वेट कर थैंक यू।